हेलो एवरीवन, यू वाचिंग रितु दिशा रेसिपी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही चटपटी रेसिपी। हमने छोटे वाले चने लिए हैं। चने को हम पूरी रात भिगो कर रखेंगे। चने में हम 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। इस तरह के चने मार्केट में आसानी से अवेलेबल रहते हैं, आप मार्केट से इनको परचेस कर सकते हैं। अब हम चनों को कवर करके रखेंगे। आप देख सकते हैं सुबह के समय हमारे चने इस तरह से अच्छे से गल चुके हैं। अब हम भीगे हुए चनों को पानी से अलग करेंगे। इस तरह की चटपटी रेसिपी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चने अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई करने की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ऑयल में 1 चम्मच सौंफ फ्राई करेंगे, 1 चम्मच जीरा, दोनों को अच्छे से फ्राई करना है। अब हम इसमें भिगोए हुए चने ऐड करेंगे। चनों को ऑयल में अच्छे से फ्राई करना है। सभी को हम मिक्स करेंगे और हम चनों की साइड चेंज करते हुए चनों को कवर करेंगे। चनों को हम हर 2 मिनट में साइड चेंज करेंगे क्योंकि हमने गैस को हाई किया है। इस तरह के चने को आप जब भी फ्राई करें गैस को आप हाई रखिए, उससे आपके चने बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। आप देख सकते हैं हमारे चने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें सभी मसालों को ऐड करेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 चम्मच हमने अमचूर पाउडर लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। अब हम गैस को मीडियम रखेंगे। इसमें हमने मसालों का यूज़ बाद में किया है। यदि हम पहले मसालों को ऐड करते हैं तो सभी मसाले जल सकते हैं। अब हम इसमें 1 नींबू के रस को ऐड करेंगे। इसमें आप टोमेटो केचप का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर ऐड करने से चने का जो टेस्ट है वो बहुत ही लाजवाब बनता है। इस तरह के मसाले चने को आप अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपका कुछ चटपटा खाने की इच्छा हो आप इसको तुरंत बना सकते हैं। हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। बारीक कटे हुए प्याज को ऐड करना है। खाने से पहले ही आप इसमें प्याज को ऐड कीजिए। अब हम इसमें बारीक कटे हुए टोमेटो के बाइट ऐड करेंगे। अब हम इसमें बारीक कटी हुई धनिया पत्ती ऐड करेंगे। धनिया पत्ती से दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है, देखकर ही मुंह में पानी आने लगता है। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग लेमन जूस ऐड करेंगे। हम इसको और चटपटा बनाने के लिए लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे एंड चाट मसाले का भी हम यूज़ करेंगे। हमारी चटपटी चना चाट बनके कंप्लीट हो चुकी है। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नई लेटेस्ट चटपटी रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू। और आप हमें कमेंट्स करना ना भूलें आपके चटपटे चने कैसे बने हैं।